वो चारों हंसी खुशी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, फिर बीच में रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि उनमें से एक भी घर वापस नहीं लौट सकी। लेकिन उम्मीद खो चुके परिवार वालों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई पुलिस की एक टीम, जिसने महज 48 घंटों में ही न सिर्फ चारों नाबालिग लड़कियों को बल्कि तीनों किडनैपरों के भी खोज निकाला। रिपोर्ट देखिए। एक दिन में पुलिस ने सुलझाई अपहरण कांड की गुत्थी। अचानक घर से गायब हो गई थी चार नाबालिग छात्राएं। गृह ने अगवा कर बनाया हवस का शिकार। पुलिस की गिरफ्त में तीन शातिर आरोपी। बेमुद्रों में अचानक से घर से गायब हुई चार नाबालिग छात्राओं को पुलिस सही सलामत उनके घर छोड़ाई है। पुलिस ने FIR दर्ज होने के महज 48 घंटे में ही छात्राओं को खोज निकाला और उनको अगवा करके हवस का शिकार बनाने वाले तीनों आरोपियों को भी सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो चार नाबालिग लड़कियां हैं उनको एक साजिश की तरह उनको स्कूल न जाकर अपने पास बुलाया गया और उनके साथ जो भी है गलत काम हुआ, उसके बाद इन लड़कियों को जो है रायपुर रवाना कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला भीमथुरा के वार्ड क्रमांक 5 का है, जहाँ के परिवार उस वक्त सख्ती में आया जब उनकी नाबालिग बेटियां घर से तो स्कूल पहुंची लेकिन वापस नहीं लौटी। परेशान परिजन जब सिटी कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आनन फानन में टीम बनाकर गुमशुदा लड़कियों की तलाश शुरू की। जो इसमें आरोपी है उन लोगों ने पूरे षड्यंत्र के तहत इनको रायपुर भेजा। सबसे बड़ी कष्टदायक ये बात है, रायपुर गए थे और रायपुर में एक स्थान पे जो है इनके रहने की व्यवस्था कराई गई थी और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीकृत किया है और जो आवश्यक कार्रवाई है हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की शक की सुई सौरभ गुप्ता नाम के युवक पर जा चुकी और एक एक करके वारदात की सारी परतें खुलती चल गई। इस केस में पुलिस ने तीन कुल आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपी छात्राओं को पहला फुसलाकर अपने साथ रायपुर ले गए और जहां आरोपियों ने छात्राओं को डरा और धमकाकर अपनी हवस का शिकार बना डाला। जबकि इस वारदात के लिए आरोपी सौरभ गुप्ता के घर का इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनमें से नाबालिग भी हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है, जबकि बाकी आरोपियों के गुनाह की सजा दिलाने के लिए पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हवालात के लिए बेमतरा से दिलीप साहू की रिपोर्ट। हवालात में वक्त है।